हरे कृष्णा राधे राधे। अगर राधा रानी की सेवा नहीं ले रखी तो राधा अष्टमी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये लाइन सुनकर सरप्राइज हुआ, पर ये लाइन एक भक्त के गुरु महाराज ने कही है। आपको ये बात कहां तक सही लगती है मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे तो ये बात 100% गलत लगी, बल्कि जब मैंने सुना तो मुझे बहुत दुख भी हुआ कि कोई इस तरह कैसे कह सकता है। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि उनके गुरु महाराज सामर्थ संप्रदाय से है या वैष्णव है, क्योंकि कोई वैष्णव भक्त ऐसे कैसे कह सकता है कि वो राधा रानी की महिमा उनकी कृपा उनको नहीं जानते हैं, राधा कृष्ण का प्रेम नहीं जानते हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं। शास्त्रों में तो ये लिखा है कि हमारा कृष्ण अष्टमी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम राधा अष्टमी व्रत नहीं करते। हमें कृष्ण अष्टमी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब हम राधा अष्टमी व्रत करते हैं। तो ये बात कैसे कह सकते हैं। देखो एक बात समझ लो, हर किसी को राधा रानी की सेवा आसानी से नहीं मिलती। जिन्हें सेवा मिली है वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। पर हम हर भक्त को कहते हैं कि अगर आपके पास विग्रह सेवा नहीं है तो आप मंदिर में राधा प्यारी की फोटो की सेवा भी कर सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि अगर हमने राधा रानी की सेवा नहीं ले रखी या हमारे घर में उनका शिव विग्रह नहीं है तो क्या हमें राधा अष्टमी व्रत मनाना चाहिए। इसके उत्तर में हम कहते हैं बिल्कुल बनाना चाहिए, 100% बनाना चाहिए। अगर आपके घर में सेवा नहीं है आप मंदिर में जाके जो महाअभिषेक होता है वहां जा सकते हो, वहां अपनी सेवा दे सकते हो। देखो अगर घर में कोई फोटो हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो श्री राधा रानी को मन में धारण करके भी आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। लड्डू गोपाल को राधा रानी के रूप में उनका श्रृंगार करके तब उनकी अर्चना कर सकते हो। राधा कान्हा जी का लड्डू गोपाल का श्रृंगार राधा रूप में कैसे करेंगे इसका वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार देखना जरूर। अब एक प्रश्न आया जिसमें साधक पूछते हैं कि अगर राधा रानी की कोई फोटो या मूर्ति ना हो तो हमें कैसा फोटो या मूर्ति लेनी चाहिए। तो देखो अगर विग्रह की बात करो तो सबसे पहले देखो कि आप किन की सेवा कर रहे हो। अगर आप बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो तो आप बाल राधा रानी की का स्वरूप लेकर आओ। आप चाहो तो युगल जोड़ी राधा कृष्ण का स्वरूप भी ला सकते हो, पर विग्रह सिर्फ तभी लेना जब आप पूरी तरह उनकी सेवा करने के लिए तैयार हो, सामर्थ हो और उनकी सेवा करना चाहते हो। अगर आप पूरे सेवा नियम नहीं निभा सकते तो फिर फोटो की सेवा करो, ज्यादा अच्छा है। ऐसी फोटो लेना जिसमें राधा कृष्ण गाय के साथ हो, हमेशा जो भी फोटो हो राधा कृष्ण की एक साथ हो, वही बहुत शुभ होती है हमारे लिए। देखो जब हम श्री कृष्ण जन्म उत्सव बनाते हैं तब हमें आनंद होता है, पर श्री राधा जन्म उत्सव बनाने से श्री कृष्ण को आनंद होता है, और हम लोग जो हमेशा राधा रानी की चाकरी करते हुए कान्हा जी को आनंदित करने की कोशिश करते रहते हैं। सही बात है ना, राधा का नाम लेने से है ना कान्हा बहुत खुश होते हैं, और जिन पर राधा रानी की कृपा होती है उनके ऊपर तो कान्हा जी समझो जमकर बरसते हैं। अब हमें करना क्या है इस विषय में डिटेल में हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर भी शॉर्ट में बता देती हूं। देखो अगर शिव विग्रह है तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करो, दोनों राधा कृष्ण का एक साथ अभिषेक करना है। अगर मान लो आपके पास शिव विग्रह नहीं है तो आप फोटो के ऊपर छींटे लगा के तब उनका पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो। अगर समझो फोटो भी नहीं है तो आप मानसिक रूप से सोचो कि आप श्री राधा रानी का अभिषेक कर रहे हो, आपको मौका मिल रहा है, आप मानसिक रूप से उनकी सेवा पूजा करो, ये भी बहुत सिद्ध होती है। अच्छा इसके अलावा आप चाहो तो बाल राधा रानी का श्रृंगार राधा रूप में कर लो, है ना। अगर ये भी नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में चले जाओ, वहां पे महाअभिषेक होता है उसमें पाठ ले लो, है ना। ये याद रखो राधा कृष्ण एक ही है, ऐसा नहीं है कि हम करें कि भाई बाल गोपाल का हम कर रहे हैं और ये राधा रानी की थोड़ना हो, ये गलत है, ठीक है। अब करना क्या है, अगर आप समझो अपने विग्रह की कर रहे हो या बाल गोपाल की कर रहे हो तो उनको बढ़िया सुंदर नई पोशाक धारण करना, पंचामृत अभिषेक करना, पूजा करना, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना, फूल फल चढ़ाना, राधा कृष्ण की आरती करना, पूरे दिन व्रत रखना। याद रखना राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है तो अरबी का भोग जरूर लगाना। व्रत विधि किसी भी तरह से कर सकते हो,
कैसे व्रत करना है, निर्जल व्रत करना चाहते हो, फ्रूट के साथ व्रत करना चाहते हो, लिक्विड के साथ व्रत करना चाहते हो, सिर्फ दूध दही लस्सी वगैरह लेकर, इस तरह कर सकते हो। फलहार करके कर सकते हो, जिसमें आप एक समय कूटू आटे के सिंघाड़े से बना, कूटू सिंघाड़े के आटे से बना खाना खा सकते हो। इसमें व्रत करने वाला एक समय सेंधा नमक ले सकता है। राधा अष्टमी व्रत शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को होता है, उस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत भी होता है। अगले दिन सुबह दान आदि करके अपने व्रत का पारण करो, मतलब व्रत को खोल लो। अगर पॉसिबल हो तो राधा अष्टमी पे बरसाना धाम जरूर जाना, वहां आनंद की वर्षा हो रही होती है। श्री राधा अष्टमी पर आनंद का अलग वातावरण होता है, हवा ही राधा राम के रस वाली होती है। अच्छा, राधा अष्टमी ही वो दिन होता है पूरे साल में जब राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं, बाकी पूरा साल उनके चरण ढके रहते हैं। ठीक है, और मतलब अगर आप बरसाना जाते हो तो वो तो मैं मानती हूँ बहुत ही लकी होते हैं जिन्हें बरसाना जाने का उस दिन मौका मिलता है। ठीक है, उत्सव का समय है, बहुत आनंद का समय है, और मतलब मैं गारंटी से कह सकती हूँ आपको आनंद ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, वहां पता है क्या हो रहा होता है, जगह जगह सखियां होती हैं, वो लीलाएं कर रही होती हैं, आपको राधा कृष्ण की याद दिलाती हैं, बहुत आनंदमय समा होता है। जगह जगह डीजे बज रहे होते हैं, भंडारे तो इतने कि आप उनकी गिनती नहीं कर सकते। परिक्रमा करने में तो आनंद ही आनंद आता है, वहां पर परिक्रमा जरूर करना अगर आप जाते हो। श्री राम वृंदावन में भी बहुत अच्छा उत्सव होता है, हमारे बिहारी जी राधा जी के स्वरूप में होते हैं, अलग अलग मंदिरों में झांकियां निकलती है, है ना। वहां पे तटीय स्थल पर जो गुरु महाराज होते हैं वो सबको तुलसी माला देते हैं, तो अगर आप जाते हो तो तटीय स्थल भी जरूर जाना। लोग छोटे छोटे खिलौने बांट रहे होते हैं, क्योंकि लाली का जन्म हुआ यार, उत्सव का समय है। शब्दों में वहां की समा को बताना, वहां की छवि छटा को बताना बहुत छोटी बात होगा, जैसे हम चांद को हाथों में ले लेना ऐसा, है ना। तो कभी हो सके तो जरूर जाना। हमने एक वीडियो बनाया था वहां के लाइव दर्शन की, उसे देख लेना। कुछ भी अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो बताना, फिर शायद हम आपका मार्गदर्शन कर सके। पर जैसे इस बार हमारे बिहारी जी के वहां पे थोड़ा सा एक रंग में भंग पड़ा और दुर्घटना हो गई, तो उसका ध्यान रखिएगा, भीड़ इतनी मत बढ़ाइएगा, स्पेशली छोटे बच्चों का ध्यान करिएगा। अगर आपको लगे कभी भी कि मैं नहीं जा सकती तो मन से जरूर जाना, मन से सोचना कि मैं वहां पर हूँ, हमारी वीडियो देखना, वहां की छवि देखकर आपको आनंद ऐसा आएगा और आप मन में सोचोगे कि मैं वहां हूँ, वहां मैं नाच रही हूँ, तो आपका शरीर चाहे ना जा पाए आत्मा तो पहुंच ही जाएगी, है ना। इसी के साथ एक बार फिर सबको कहूंगी, भ्रांतियों में मत पड़ो, लोग कुछ भी कहे, राधा अष्टमी व्रत सबको करना ही करना है, तभी हमें कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का फल मिलेगा। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए हमें 9821025751 पर मैसेज करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।